हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म PSC बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे TY रहेगा। ठीक है, कम्युनिटी, यस हमें लगता है एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है, ठीक, या आप कह सकते कि बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या होता है, यानी कि इसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल अगर आप करेंगे तो कम्युनिटीज़, या फिर कम्युनिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक, यहाँ पे आगे आप लोग जब पढ़ेंगे स्पीसीज कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस आगे आपको देखने को मिलेगा, जैसे डोमिनेंस क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इकोटोन अभी हम आपको बताएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क में पूछा था इकोटोन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी जो टॉपिक्स है, यानी कि जो आएंगे आपको आगे बताएंगे, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है। आपको तो मालूम हो गया होगा कि कम्युनिटी क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं और कम्युनिटी किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि किसी भी स्थान पर जितने फ्लोरा और फाना होते हैं उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। जैसे सपोज करिए एक पार्टिकुलर कोई स्पेस है, एरिया है, इसमें जितने भी प्लांट एनिमल यानी कि फ्लोरा एंड फाना है, जितने भी है, ठीक है, चाहे उसकी संख्या 100 हो 200 हो 1000 हो, जितने भी हैं उन सारे को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई एक एरिया है, यहाँ पे केवल एक टाइप के, एक सिंगल ग्रुप के यानी कि एक जैसे केवल पॉपुलेशन है, या फिर केवल ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के हैं, या फिर एक ही सिंगल स्पीसीज है किसी पार्टिकुलर स्पेस पे जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के प्लांट, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं कम्युनिटी में, लेकिन पॉपुलेशन में केवल एक प्रकार का, जैसे आप लोग सुनते हैं कि आम का बगीचा मतलब केवल आम का ही प्लांट है। ठीक है, नींबू का बगीचा, ह्यूमन पॉपुलेशन, केवल वहाँ पर ह्यूमन ही है, तो क्या एक प्रकार का वो पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल पाए जाए। आइए डिस्कशन करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। चलिए, वह लिखा है द टर्म कम्युनिटी वाज गिवन बाय मोबियस। ठीक है, मोबियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कि कम्युनिटी का टर्म दिया था। जो कम्युनिटी होता है उसमें क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेवलर स्पीसीज, एक ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे सेवलर यानी कि बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे प्लांट की स्पीसीज हो सकती है, एनिमल की स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, और जो आपस में लोग रहते हैं, म्यूचुअलिज्म जो शो करता है वो बेनिफिशियल होता है, यानी कि एक दूसरे के लाभदायक होते हैं दोनों, इसी को हम लोग कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, चलिए, जैसे हम लोग फॉरेस्ट, ग्रेसलैंड, डेजर्ट, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम देते हैं, वाटर बॉडीज में या पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, लेक, लीवर, रिवर, ओशियन, ये सब जो नेचुरल आपको बायोटिक कम्युनिटी दिखता है, इस सब में नेचुरली बेनिफिशियल होते हैं। आइए बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी की क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई बायोटिक कम्युनिटी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी कम्युनिटी होगी, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी अगर होगी तो उसमें भाई बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज होगी और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल की स्पीसीज होगी। ठीक है, और उन सब में बहुत डिफरेंस होता है, जेनेटिक लेवल पर डिफरेंस होता है। ठीक है, जेनेटिक लेवल पर डिफरेंस होता है, टेक्सोनॉमिकली डिफरेंस होता है, तो बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी स्पीसीज होंगी वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है। आपको भाई हमने बताया कि भाई
भाई एक पार्टिकुलर स्पेस है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट के होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल होगा, तो उनमें क्या होगा जेनेटिकली या स्पीसीज में जो अलग अलग स्पीसीज वहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। तो वही लिखा गया है, ईच कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, सच विच डिफर टेक्सोनॉमिकली फ्रॉम ईच अदर। अब नेक्स्ट आता है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन क्या होता है? को एक्सटेंशन मतलब है जब किसी भी कम्युनिटी में दो या दो से अधिक रहते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक पॉपुलेशन रह रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं को एग्जिस्ट, यानी कि साथ साथ रहना, ठीक है, साथ साथ रहना। तो विभिन्न प्रकार से भाई वहाँ पे तंबू साथ साथ रह रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार से वहाँ पे मैचुरिज्म शो करेगा, यानी कि आपस में किस प्रकार से मैचुरिज्म शो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे आप कॉलोनी देखते हैं, कॉलोनी, ठीक है, जहाँ पे भाई पीपुल्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो आपको पता है कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपकी कि जो कॉलोनी होती है वहाँ पे ऐसे होते हैं कि भाई कुछ लोग ना किसी से कोई मतलब होता है, ठीक है, ना वो पड़ोसी के यहाँ जाएंगे और ना वो वहाँ पे। जैसे आप सिटी की कॉलोनी देखते हैं, भाई आप अपने घर में हैं, बगल वाला अपने घर में है, दोनों भी आपस में बगल में ही रहते हैं, लेकिन उनसे इनसे कोई मतलब है, नहीं होता है। उसी प्रकार प्लांट की कम्युनिटी और एनिमल की कम्युनिटी होती है, ठीक है, अब वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, एक दूसरे को कोई नुकसान है नहीं पहुँचाएगा, रहते तो साथ में हैं लेकिन एक दूसरे को कोई नुकसान है नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है, तो वो होता है कोएग्जिस्टेंस। चलिए अगला समझिए, देखिए जो एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको कई ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, उसको क्या किया गया, कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आपका पहला है मेचुरिज्म, ठीक है, अगला है कंपटीशन, कंपटेशन, एक्सप्लाइटेशन और नेचुरलिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म। इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है दोहन, दोहन समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है वो किसी के ऊपर रह रहा हो, उसी से अपना भोजन भी ले रहा हो और उसके ऊपर भी रह रहा हो और फिर भी उसको नुकसान पहुंचाता हो, तो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। उससे उसके ऊपर रह भी रहा है, उससे भोजन पानी भी रहा है ले रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हम अपने ह्यूमन लाइफ में देखने को मिलता है, भाई जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र हैं, दोनों लोग गए किसी टॉकीज में मूवीज़ देखने, तो जो एक मित्र है दूसरे मित्र को लिवा गया, उसका टिकट भी ले गया और उसका उसके खर्चों को भी देखा, भाई जो भी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, सारे चीज़ों को ही देख रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे, यानी कि उसका दोहन हो रहा है, सारे खर्चे को भी देख रहा है, उसको लिवा के गया, उसका खर्चा भी देखा, उसको जो है कि टिकट के भी पैसे दिए वो, तो क्या है पूरी तरह से उसी से वो क्या किया, उसी को उसी के ऊपर डिपेंड होके गया, यानी कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करा, दोहन कर रहा है, ठीक है। ये कहा था आपको कंपटीटर, कंपटीशन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, दो या दो से भी जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वो रहने के लिए स्पेस, लाइट, टेम्परेचर, फूड, वाटर, इस सब के रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है म्यूचुअलिज्म। अभी आपको बताया कि दो या दो से अधिक जब ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअलिज्म शो करता है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आप लाइकेन देखते हैं, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई आपस में एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एक होता है नेचुरलिज्म, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तो रहते हैं लेकिन यहाँ पे कोई किसी को अफेक्ट नहीं करता। तो भाई यहाँ पे लिखा गया है कोई एक्सिस्टेंस के बारे में, ऑल द स्पीसीज ऑफ द ए पार्टिकुलर हैबिटेट को एग्जिस्ट इन म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ठीक है।
ऑल द पॉपुलेशन कम्युनिटी आर इंटर रिलेटेड दे आर सम इंट्रैक्शन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन कोएग्जिस्ट स्पीसीज मे बी फॉलोइंग टाइप। ठीक है, यानी क्या बताएगा, जो कोएग्जिस्टेंस होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नेचुरलिज्म के बारे में बताया मैंने आपको, एक्सप्लाइटेशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में और म्यूचुअलिज्म के बारे में। थोड़ा हमने रफली कहीं हमको जानना था, स्पेडली इन सारी चीज़ों को लिखा है, ठीक है, और रिकॉर्ड भी करना था, तो चीज़ों को स्पेडली लिखा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डोमिनेंस। क्या होता है डोमिनेंस? डोमिनेंस आपको पता होगा किसी भी स्पीसीज में जो चीज़ें डोमिनेंस होती है, यानी कि ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। जैसे आप ग्रास लैंड इको सिस्टम देखते हैं तो आप ग्रासेस बहुत मात्रा में, फॉरेस्ट इको सिस्टम देखते हैं तो फॉरेस्ट बहुत सारे होगी, यानी कि वहाँ पे प्लांट बहुत होंगे, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि पाइनस का, जैसे समझ पाइनस का फॉरेस्ट है तो पाइनस का प्लांट वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोनिफरस प्लांट है, वहाँ पे कोनिफर वाले प्लांट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वही होता है डोमिनेंस, जिस भी कम्युनिटी में, ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती है उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। वही लिखा गया है, इन एनी कम्युनिटी फ्यू स्पीसीज डोमिनेंट, उस स्पीसीज डोमिनेंट होती है आइदर इन नंबर ओर बायोमास, फिजिकल करेक्टर, यानी कि वो अपने संख्या में ज़्यादा होती है, बायोमास कह सकते हैं आप, ज़्यादा होता है, फिजिकल करेक्टर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और स्पीसीज की तुलना में, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज है लेकिन वो स्पीसीज क्या है, बहुत ज़्यादा है, वो डोमिनेंस है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर स्पेस यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि भाई कोई एक ऐसा स्पीसीज है जिसकी ज़्यादा संख्या है, यानी कि वो क्या है, डोमिनेंस है। ठीक है, चलिए, दिस फिनोमेनन इज नोन एज डोमिनेंस। द डोमिनेंस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंसेस द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जैसे इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस ज़्यादा होते हैं, पाइनस में पाइन फॉरेस्ट में पाइनस ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आता है आपका इंटरडिपेंसी। ठीक है, इंटरडिपेंसी मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, क्या एक दूसरे पर निर्भरता। मान लीजिए कि ये कोई अगर फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सपोज करिए पूरा फॉरेस्ट, यहाँ तक ऐसे दिखाते हैं हम लोग फॉरेस्ट को, ये पूरा फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट है, नीचे क्या है, हर्ब प्लांट, श्रब प्लांट, ये सब प्लांट क्या किए गए हैं, ग्रो किया हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के नीचे हर्ब श्रब ये सब प्लांट क्या किए हैं, ग्रो किए हैं, ग्रासेस ग्रो करी है, ठीक है, ग्रासेस बहुत सारे हैं, हर प्लांट है, श्रब प्लांट है, ठीक है, ये सब क्या हुए, ग्रो किए हैं। ठीक है, क्यों ग्रो की है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी और यहाँ पर जो स्थान होगा वो क्या होगा, नम होगा, ठीक है, नमी कम होगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन से प्लांट है, श्रब प्लांट है, हर प्लांट है, ठीक है, जिसके कारण वो वहाँ पे ग्रो किए रहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट होंगे, फॉरेस्ट में क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट होंगे, फॉरेस्ट है, अब उसके नीचे हर्ब श्रब ग्रासेस ये सब क्या करी होंगी, ग्रो करी होंगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा बना हुआ है, जिसके कारण ये वहाँ पर उग जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज ट्री के कारण यहाँ पे ग्रासेस हर्ब श्रब सेड लविंग प्लांट ये सब प्लांट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अगर वहीं ट्री को हटा दिया जाए, ट्री को काट के हटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो श्रब है, जो हर्ब है, जो ग्रासेस हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि बरसात के मौसम में हो सकता है कि कुछ प्लांट ग्रो कर जाए, ठीक है, हर्ब श्रब प्लांट, लेकिन जब ऐसा कंडीशन आएगा, यानी कि विंटर सीजन आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि समर का मौसम आएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगी या फिर लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो आप जो ग्रासेस है वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, बरसात में ग्रो कर सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन पे आप आने पर वो धूप के कारण वो सूख जाएगी,
टेम्परेचर लो होने के कारण वो सूख जाती है। तो आपने देखा कि जो हर्ब श्रब हैं वो किस पे डिपेंड थी, लार्ज प्लांट पे। तो इंटरडिपेंडेंसी हो गई, दो प्लांट दो अलग अलग स्पीसीज हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, इसी को कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। चलिए इसको समझिए, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी हैबिटेट आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। जैसे इन फॉरेस्ट सेवरल मेंबर ऑफ थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स मतलब समझ रहे, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, सैड लविंग प्लांट हो गए, हर्ब हो गया, श्रब हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, उसके फ्लोर सरफेस पे नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। और लार्ज प्लांट है वो उसको सैडो प्रोवाइड करेगा, मॉइस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये सब उसको प्रोवाइड करेगा, सूखने से बचाएगा, ठीक है। अगर वही प्लांट को रिमूव कर दिया जाए, इफ़ ऑल द लार्ज प्लांट ऑफ ट्री आर रिमूव्ड, ग्राउंड सरफेस वेजिटेशन में भी डिसअपियर। अगर उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो जो ग्राउंड पे वेजिटेशन वो आल्सो ही यानी कि स्वतः ही रिमूव हो जाएंगे। अगली बात आती है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, आप जानते हैं फॉरेस्ट में या किसी भी कम्युनिटी में एक के बाद एक लेयर होती है, एक के बाद क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक, अवस्था होती है। जैसे आप जानते हैं अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हमारे समाज में तीन प्रकार की कैटेगरी होती है। तीन प्रकार क्या होती है, कैटेगरी होती है, क्या होता है, पहला होता भाई पुअर फैमिली, ठीक है, दूसरा होता है मिडिल क्लास फैमिली, तीसरा होता है रिच फैमिली। तीन प्रकार की फैमिली होती है या फिर तीन क्लास होती है। तो उसी प्रकार सबसे नीचे क्या है, सब टेरेनियन प्लांट होते हैं यानी कि जो भूमि से चिपके हुए प्लांट होते हैं, उसके ऊपर भूमि से चिपके यानी कि थोड़े ऊपर मॉसेस होते हैं, उसके ऊपर थोड़े से ऊपर यानी कि एक धरती में चिपका हुआ सब ट्रेनियन होता है, फिर मॉसेस होती है, फिर आप हर्ब होता है, फिर श्रब होता है, फिर आप बड़े बड़े प्लांट ट्री आपको देखने को मिलती है। तो एक क्या स्ट्रेटिफिकेशन है, एक के बाद एक चीज़ें वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, एक के ऊपर। तो ये क्या सब स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो लिखा है द डिवीज़न ऑफ कम्युनिटी इंटू डिफरेंट वर्टिकल डिवीजन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। द फॉरेस्ट कम्युनिटी डिवाइड इंटू फॉलोइंग डाटा, जैसे सबटेरेनियन, मॉसेस, हर्ब, श्रब, ट्री, ये सब हो गया। नेक्स्ट आता है सक्सेशन। क्या सक्सेशन, आप हाइड्रोफाइट जीरोफाइट में देखे होंगे सक्सेशन के बारे में, मैंने बताया था वहाँ पर जीरो जीयर हाइड्रो जीयर के बारे में, किस प्रकार से एक आप कह सकते हैं कि नूड एरिया, रॉक नूड एरिया कन्वर्ट हो जाता है किस में, एक क्लाइमेट मिक्स कम्युनिटी यानी कि फॉरेस्ट में, बेयर फॉरेस्ट यानी कि एक्वाटिक एरिया बदल जाता है किस में, ट्री में, पॉइनियर कम्युनिटी से बदल जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेशन। यानी कि जब एक के बाद एक जो कि वेजिटेशन ग्रो करते रहते हैं भाई, पहले लाइकेन आया, क्रस्टोज लाइकेन, फुलिकोज लाइकेन, फ्रोटिकोज लाइकेन, फिर वहाँ पे मॉसेस ग्रो की, ठीक है, प्रायोफाइट्स के मेंबर यानी कि मॉसेस ग्रो की, हर्ब श्रब ग्रो किया, फिर चले देखा वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई यानी कि फॉरेस्ट का वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वहाँ पे सक्सेशन हुआ, ठीक, पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का बनना ही सक्सेशन कहलाता है। चलिए, द प्लांट सक्सेशन इज ए ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज एंड यूनिट एरिया इन गिवन हैव टेंडेंसी टू चेंज द प्लांट कम्युनिटी। द सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सीयर एंड इज कंसिस्ट ऑफ पायनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशन एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है इकोटोन, जो कि दो नंबर में आपसे पूछा जाता है इकोटोन क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे सपोज करिए इकोटोन को हम समझाने के लिए एक यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, इकोटोन को आप लोग समझिएगा अच्छे से। जैसे सपोज करिए ग्रास लैंड इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, इधर क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दो कम्युनिटी यहाँ पे हमने शो की है, बीच में हमने इकोटोन को कैसे प्रदर्शित किया उसको समझिए। जैसे सपोज करिए इधर पूरा क्या ग्रास इकोसिस्टम है और यहाँ से फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ पे सारे ग्रासेस ही ग्रासेस हैं, जहाँ देखेंगे आप ग्रासेस ही ग्रासेस। लेकिन जब आप पीछे की तरफ देखेंगे, दूसरे साइड देखेंगे, अपोजिट तरफ, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखेगा, बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं आप बीच में ऐसा देखेंगे कि कुछ एरिया पे प्लांट की और ग्रासेस की कम्युनिटी लगभग बराबर होगी,
यानी कि अगर आप कुछ दूर जाएंगे तो देखेंगे केवल ही केवल वहाँ पे आपको ग्रासेस ही ग्रासेस देखने को मिलेगी, इस साइड में केवल ग्रासेस ही ग्रासेस देखने को मिलेगी। और अगर आप इस साइड देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल ही फॉरेस्ट, बड़े बड़े एनजीओस पर मिकला। लेकिन दोनों का एक बीच होगा, दोनों का एक ज्वाइनिंग होगा, दोनों का एक आप कह सकते हैं कि मिडिल पार्ट होगा, मिडिल रीजन होगा। वहाँ पे आपको फॉरेस्ट के भी कुछ प्लांट, फॉरेस्ट यानी कि बड़े बड़े एनजीओस पर में प्लांट देखने को मिलेंगे, और वही बीच में आपको ग्रासेस देखने को मिलेगी। तो यानी कि ग्रास और फॉरेस्ट वाले प्लांट आपस में इंटरमिक्स होंगे, उसी स्पेस को कहते हैं हम लोग कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कम्युनिटी सॉरी ट्रांजिशन जोन कह देते हैं या इकोटोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन जोन, और उसी ट्रांजिशन जोन को हम लोग कहते हैं इकोटोन। मैंने बताया कि भाई ये क्या है, फॉरेस्ट है, इधर क्या ग्रासलैंड। लेकिन अब यहीं पे क्या है कि इधर फॉरेस्ट है लेकिन इधर क्या इकोटोन है, यानी कि ग्रासेस है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होगा कि भाई ग्रासेस भी होंगे और वहाँ पे फॉरेस्ट भी होगा। ठीक है, फॉरेस्ट भी होगा, ग्रासेस भी होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। जैसे कि एग्जांपल दे आप लोग आर्च उसका नाम सुनते होंगे, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस चूँकि बर्ड और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंग है। ठीक है, तो जो कनेक्टिंग लिंग होती है वो दोनों को करेक्टर रखती है। रेप्टाइल जिसे मतलब आर्कियोप्टेरिस क्या है, वो कनेक्टिंग लिंग है किसके किसके बीच, बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंग है। तो हुआ क्या कि भाई जो आर्कियोप्टेरिस होता है उसमें क्या होता है, चोंच पाई जाती है, और चोंच के अंदर क्या होता है, दांत होता है। तो चोंच किसका करेक्टर है, बर्ड का, और दांत रेप्टाइल का। तो दोनों के बीच में क्या है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समानता हुई। अब वो क्या होता है, उसमें जो आर्कियोप्टेरिस होता है उसको में सरीसृप की तरह, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्नेक की तरह, सांप की तरह, ठीक है सॉरी उसके लिए, तो सरीसृप की तरह उसमें लंबी पूंछ पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है, लंबी पूंछ पाई जाती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे पक्षियों में देखते हैं कि लंबी पूंछ होती है, तो उसी प्रकार वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वही होता है कि दोनों के बीच के करेक्टर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वही इकोटोन होता है, लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज के क्या होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्या आप कह सकते हैं कि उसके करेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। तो ये पूरा आपका था किसके, बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे फिनोलॉजी क्या होता है, फिनोग्राम क्या होता है। ये आपको दो नंबर का क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर टाइप या फिर वेरी शॉर्ट में सेक्शन ए या बी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फिनोलॉजी क्या होता है, फिनोग्राम क्या होता है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आपकी बीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फिनोग्राम क्या होता है, फिनोलॉजी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे।